हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड वेलकम टू माय वीडियो। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है वेडिंग्स को लेकर। यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मोस्ट ब्यूटीफुल ईयरिंग्स, जिन्हें कि आप इजीली परचेस कर सकते हैं मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो से, ये आपको इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी ईयरिंग की कलेक्शन शेयर करूँगी, जिन्हें कि मैंने ऑनलाइन ख़रीदा हुआ है। ऑफलाइन वाली जो मेरे पास ईयरिंग्स हैं वो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि उन्हें आप परचेस करने में आपको दिक्कत आएगी। अगर आप देखना चाहते हैं मेरी ऑफलाइन वाली भी, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम ये वाली कलेक्शन अपनी देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल झुमके और ईयरिंग्स हैं, जिन्हें कि आप वेडिंग में आराम से पहन सकते हो और आपको काफ़ी सारे कलर भी मिल जाएंगे। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग इन्हें चूज कर वेयर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं पहनने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास ईयरिंग्स हैं, ये आपने बहुत बार देखे होंगे और बहुत सारी जगह देखे होंगे। ये देखिए, ये वाले ईयरिंग्स मैंने सबसे पहले देखे थे मिंत्रा पर मैंने इन्हें परचेस किया है मीशो से, और इनकी मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है। तो आप ये वाले ईयरिंग्स देखिए, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी में है ये। और यहाँ पर बने हुए हैं इसमें राधा कृष्ण। तो ये वाले जो ईयरिंग्स हैं पहनने के बाद बहुत ही औसम लुक देते हैं। मैंने इन्हें अभी तक जिस भी साड़ी या सूट पर पहना है, मतलब अमेजिंग वाला लुक आता है, और ये हर किसी भी ड्रेस के साथ ईजिली आपके चले जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। चाहे आप इसे किसी भी कलर की साड़ी या किसी भी कलर की ड्रेस के साथ वियर कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें जिनमें वियर किया है, मैं यहाँ पर आपको इमेज लगाकर दिखा दूँगी जो मेरे पास होंगी। तो ये देखिए, और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं ये, और इनका जो साइज़ है ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ही ज़्यादा छोटा है, एकदम मीडियम साइज़ है ये, और बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। तो चलिए अब अपने सेकंड वाले देख लेते हैं। तो सेकंड में यहाँ पर आपको दिखाऊँगी झुमकी। इस तरह की झुमकी भी आपने बहुत ही ज़्यादा देखी होंगी। इस तरह की जो झुमकी हैं फिल्मी एक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा पहनी हुई हैं, और इनमें भी आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, और यहाँ पर इसमें सारा का सारा स्टोन का वर्क है। तो ये भी पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती हैं। तो इन्हें भी आप ले सकते हैं, कलर आपको मिल जाएंगे, अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये थोड़े से वेटी हैं, लेकिन पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है इनका। और ऐसा नहीं है कि आप इन्हें पहन नहीं सकते, आप इन्हें आराम से वियर कर सकते हो 4-5 घंटे के लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पे यहाँ पे हैं ये वाले। इन्हें मैंने अभी तक वियर नहीं किया हुआ, क्योंकि स्पेशल ये मैंने येलो कलर में मंगाए थे और अभी तक मैंने इन्हें वियर नहीं किया है। बट ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। आपने भी इनके बहुत सारे हॉल देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इनको ख़रीदा हुआ है। मैंने भी इन्हें मीशो से ख़रीदा, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मीशो पर आपको ईयरिंग्स मिल जाते हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, पास से देखिए एकदम भरे भरे हैं। बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमने सस्ते लिए हैं तो हमें चीप मिले हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और अगर इनकी साइज के हिसाब से देखें तो इनमें इतना वेट नहीं है, लेकिन अगर साइज के अलावा हम सिर्फ वेट की बात करें तो इनमें थोड़ा वेट है। आप इन्हें ऑल डे या ऑल नाइट वेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मैं इन्हें आपको वेयर करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, पहनने के बाद इनका लुक कुछ ऐसा आता है, बहुत ही सुंदर लगते हैं पहनने के बाद। बट ये रियल में थोड़े हैवी हैं, आप इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकते हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए ठीक है, चल जाएगा। और इनमें आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, तो आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग चूज करके इन्हें वियर कर सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और पहनने के बाद बहुत ही अलग सा एक लुक क्रिएट करते हैं ये। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो मेरे पास ईयरिंग है वो है ये वाले ईयरिंग्स। ये वाले ईयरिंग्स मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बल्कि मैं कहूँ कि जब मैंने इन्हें देखा था तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और मैंने इन्हें मिंत्रा पे देखा था, और मिंत्रा पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे, अराउंड 450 के करीब इनका प्राइस था। तो मैंने इन्हें तो वहाँ पर ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन रेट ज़्यादा होने की वजह से मैंने इन्हें परचेस नहीं किया था। वहीं पर मैंने जो इनके रिव्यूज़ देखे थे, वो रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे थे, मगर रिव्यूज़ में एक शिकायत थी कि इनकी जो ये वाली चेन है नीचे की, ये छोटी है, और किसी ने अच्छी बताई थी, किसी ने इनकी लेंथ छोटी बताई थी। बट मैंने इन्हें मीशो से ख़रीदा, तो अगर मैं इनकी क्वालिटी की बात करूँ तो इनकी क्वालिटी मीशो पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली है, लेकिन वही शिकायत मुझे भी मीशो पर मिली। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ मेरे ख्याल से प्रोडक्ट सेम ही है,
क्योंकि इसकी जो चेन है ना वो भी थोड़ी छोटी है, जितना कि हमें इमेज में दिखाया गया है उतनी लंबी नहीं है ये। और एक की चेन थोड़ी ज़्यादा लंबी मिली मुझे और एक की थोड़ी छोटी, जिससे कि मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा मतलब इसके अंदर डाल के बराबर किया हुआ है। बट ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं और फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी है इनकी, बिल्कुल भी चीप नहीं लगते। तो मैं इन्हें भी आपको वियर करके ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये है मेरा प्रोडक्ट और इसका जो भी प्राइस मुझे पड़ा होगा वो मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगी। ये मैंने आपको वियर करके दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि पहनने के बाद इनका लुक कुछ इस तरीके का आता है। ये मैंने पीछे से टाइट नहीं किए हैं अभी। तो ये जो चैन है ना ये वहाँ पर दिखाई हुई है कि यहाँ तक की, और किसी किसी को यहाँ तक की मिली भी है मगर मुझे थोड़ी छोटी मिली है। बट अच्छी लगती है, खैर इतनी बेकार नहीं लगती, सुंदर लगती है पहनने के बाद। और ये इयररिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो मुझे अच्छे लगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका लुक कैसा है। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत चेन में लेंथ में छोटी बड़ी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जो लुक होता है ना पहनने के बाद इतना अच्छा कैमरे में नहीं आ रहा जितना कि रियल में आता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर खरीदिएगा। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाले इयररिंग्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी लेंथ है इनकी और ये भी पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इनमें भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। क्वालिटी इनकी ठीक ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन ठीक ठीक है। तो ये भी आप परचेस कर सकते हैं, ये भी वेडिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास ये वाले। तो ये वाले जो झुमके हैं ये भी मीशो पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी हैं। इसके काफ़ी सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, ऊपर डिज़ाइन चेंज होगा बट नीचे ऐसा ही मिलेगा और कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं ये, तो आप इन्हें पहन सकते हैं। पर ये थोड़े ज़्यादा, इसका जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो जिन्हें बड़े झुमके पसंद हैं उनको ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। लाइट वेट हैं, बिल्कुल भी इनमें वजन नहीं है, तो आप इनको फुल नाइट पहन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और अब लास्ट में देख लेते हैं हम, ये तो हो गए वेडिंग के पर्पज से जो कि आप नाइट में या किसी हैवी ड्रेसेस के साथ। नेक्स्ट मेरे पास हैं ये वाली मीनाकारी झुमकी और इनमें मेरे पास दो तीन कलर हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं पहनने के लिए। इन्हें आप वेडिंग में भी पहन सकते हैं या फिर नॉर्मली भी पहन सकते हैं, आने जाने में कैसे भी आप इन्हें पहन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये भी मैंने मीशो से ही ख़रीदी हैं, सबसे ज़्यादा पहनी जाती हैं, मैंने सबसे ज़्यादा वियर करती हूँ। ये देखिए ये भी इसी का कलर है और डिज़ाइन है, और ये भी इसी का कलर है। तो देखिए कितना प्यारा कलर है, यहाँ पर आपको सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ तो ये मेरा पूरा मीशो का ही हॉल है, क्योंकि इसे मैंने जितने भी झुमके या झुमके आपके साथ शेयर किए हैं सब मीशो से ही हैं। इसके बाद मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करूँगी, ये मैंने ऑफलाइन ली थी। तो अगर आपको झुमके या फिर मैं कहूँ आर्टिफिशियल ईयरिंग पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप अपने साथ एक ये वाली चेन भी ज़रूर रखें। जिस भी झुमके के साथ या फिर स्टड के साथ आप इसे वेयर करेंगी उसका लुक एकदम ऑसम हो जाता है, मतलब बदल जाता है। तो ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ की थी, ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको, तो आप इस तरह की चेन भी ज़रूर से ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।